कुवैत में मंगाफ में लगे भीषण आग में 45 भारतीयों की जान चली गई और उनके शव को लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत में पहुंच गया। ये केरल के कोची एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर वो लैंड हुआ और वहां पर मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के ही हैं। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट शाम को 4 बजे दिल्ली पहुंचेगा। पूरा मंत्रिमंडल केरल सरकार का नजर आ रहा है, पीवीजीएम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर जान गंवाने अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के 3, बिहार उड़ीसा कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड हरियाणा पंजाब के पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग हैं। एक मृतक किस राज्य का है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि कई शव काफी शत विक्षत हालत में हैं। बुरी तरीके से जलने के बाद 45 लोगों की जान चली गई थी इस भयावह हादसे में। ये उसी बिल्डिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर आग लगी, कुवैत की यह घटना। और अब इन सभी मृतकों के शव को हिंदुस्तान वापस लाया गया। ये वो हरक्यूलिस विमान जो कुवैत से पार्थिव शरीरों को लेकर आया और जब कोची एयरपोर्ट पर लैंड किया उस समय की तस्वीरें, माहौल गमगीन है। सबसे ज्यादा इसमें 23 लोग केरल के ही हैं, बाकी अलग अलग प्रदेशों के भी इसमें भारतीय नागरिक जो कुवैत में काम कर रहे थे और इस अग्निकांड में उनके जान चले गए। आज नम आंखों से जब ये एयरक्राफ्ट उतरा उसके बाद से बाहर मुख्यमंत्री मौजूद थे, अन्य लीडर्स मौजूद थे, खुद विदेश राज्य मंत्री कुवैत गए, उन्होंने घायलों की उचित उनको सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले उसका सुनिश्चित करके आए और पार्थिव शरीरों के को लेकर ये विमान लौटा है। केरल के सीएम को आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट में लैंडने के दौरान परिवार वालों को सांत्वना देने के साथ साथ मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि ज्यादातर मृतक केरल के ही रहने वाले थे। ये कोची एयरपोर्ट की तस्वीर आप दरअसल देख रहे हैं, यहाँ पर मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग मौजूद हैं। और जो कुवैत में भीषण अग्निकांड हुआ उससे अब कोची लाए गए हैं ये 45 शव। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत गमगीन है, चेहरे पर एक मायूसी है, दुख है, गम है। कुवैत में 5 अस्पतालों में भर्ती थे, फिर उसके बाद अब उनको लाया गया। खुद विदेश राज्य मंत्री सभी अस्पतालों में गए, उन्होंने जायजा लिया। कुवैत के मंगाफ में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव को लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच चुका है। ये केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के रहने वाले थे। इसके बाद एयरक्राफ्ट शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेगा। जान गंवाने वाले अन्य जो लोग हैं 22 लोग, उसमें तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के 3, बिहार ओडिशा कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड हरियाणा पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1, और एक मृतक किस राज्य का है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। आज के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे, 5 अस्पतालों में गए जहां घायल भारतीयों के इलाज किए जा रहे थे। कीर्तिवर्धन सिंह आज उसी एयरक्राफ्ट से वापस लौटे हैं जिनमें शवों को लाया गया है। कोची पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और नम आंखों से वहां पर सब रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। विदेश राज्य मंत्री भी इसी हरक्यूलिस विमान से शवों के साथ में लौटे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केरल के कोची में ये विमान लैंड किया है, लैंडिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बाहर इंतजार में खड़े हुए तमाम मंत्रीगण, खुद मुख्यमंत्री बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर गम का माहौल, गम था क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दें कि केरल के नागरिक बताए जाने 23 लोग काम के सिलसिले में कुवैत गए थे और वहां एकाएक उस बिल्डिंग में आग लगी, बचने का समय तक नहीं मिला और भीतर ही झुलस गए। 45 भारतीयों की इसमें जान चली गई। अभी कुछ हैं जो इस समय घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुवैत में ये अग्निकांड हुआ। अब प्राथमिकता ये कि उन शवों को अब भारत उनके परिवारों तक पहुंचाया जाए और हरक्यूलिस विमान विशेष भेजा गया, उसी विमान से लाए गए। तो ये वो तस्वीरें आप देखिए कि एक एक करके कैसे इस हरक्यूलिस विमान से पार्थिव शरीरों को बाहर निकाला जा रहा है। चूंकि अलग अलग प्रदेशों के बीच में
नागरिकों के शव हैं, तो बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट फिर शाम के समय में दिल्ली आ जाएगा। केरल के 23 इसमें नागरिक और उनके घरों तक के पार्थिव शरीर पहुंचा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। शशांक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशांक, जिस तरीके से इन पार्थिव शरीर को लाया गया है हरक्लीज स्पेशल विमान से, उनके साथ विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद थे, अब आगे प्रोसेस क्या रहेगा? कैसे इनके परिवार वाले ये शव लेने पहुंचेंगे या फिर शवों को उन तक पहुंचाया जाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाला? जी देखिए, हमें पता है कि केरला की सरकार की एक एजेंसी है, नोकरा इसका नाम है, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो लाशें हैं, जो ये विक्टिम्स की बॉडीज हैं, उनको उनके परिवारों तक पहुंचाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि केरल से बहुत माइग्रेंट डायस्पोरा वर्कर्स हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन मामलों को हैंडल करने में, तो हमें पता है कि केरला की सरकार उनके परिवारों के साथ काम करेगी और उनको और उनके परिवारों की मदद।